प्रश्नमाला 7B का अभी क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे, जो कि कह रहा है गुना कीजिए। तो 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है 7A+5 गुने 2A+B, इसको गुना करना है हमको। तो इसको ऐसे लिख लेंगे 7A+2A+B+5 × 2A+B। तो देखिए इससे इसको गुना करना है, तो पहले 7A से दोनों को गुना करेंगे, 2A+B को, उसके बाद 5 से दोनों को गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7A से पहले 2 को गुना करेंगे, तो 7 × 2 = 14, a² मिलके a² हो जाएगा, प्लस है बीच में तो प्लस देंगे यहाँ पे, 7A को b से गुना करेंगे तो 7AB हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस देंगे, 5 × 2 = 10 और a 10A, फिर प्लस है तो प्लस देंगे 5B, 5 को 2 से गुना करेंगे 5B, तो ये हो जाएगा 14A² + 7AB + 10A + 5B, इसका आंसर हो जाएगा ये। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 2x+4y × 4x − 7y। तो पहले इसको भी हम इसी की तरह लिख लेते हैं, तो 2x − 7y + 4y × 4x − 7y। तो देखिए पहले 2x से इसको गुना करेंगे, तो इसको लिख लिए पहले, फिर 4y से इसको गुना करेंगे। तो अब देखिए 2x और 4x, 4 × 2 = 8, x² हो जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ देंगे, माइनस का साइन है यहाँ पे, 7 × 14 x / 14x + 4 × 16 x / 4 × 16 और 1 / 2 हो जाएगा माइनस, प्लस यहाँ देखिए माइनस का साइन है तो माइनस देंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 × 28 / 2। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 8x², और ये दोनों देखिए +16x / −14x / 16 में 14 गया तो 2, यहाँ पे लिखेंगे +2x / क्योंकि यहाँ प्लस वाला बड़ा है, और −28 / 2। तो इसका आंसर हो गया 8x² + 2x / −28 / 2। तो तीसरा में है 8p − 2q × 3p − 6q, इसको गुना करना है। तो पहले 8p से इसको गुना कर देंगे, तो इसको लिख दिए हम 8p × 3p − 6q − 2q। अब ये लिखेंगे −2q × 3p − 6q, यानी एक बार इससे इसको गुना करेंगे, एक बार इससे ये दोनों गुना करेंगे। तो देखिए 8 × 3 = 24, p² हो जाएगा, 8 × 3 = 24, अब p² है तो p² माइनस देंगे यहाँ पे, माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 × 6 = 48 pq, p है यहाँ, q है तो pq हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस यहाँ देंगे तो 3 × 6 pq, p और q है, pq हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा, अब 6 × 2 = 12 q² ठीक है। अब देखिए 24 p² और −48 pq और −6 pq जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 48 × 6 = 54 pq + 12 q². तो ये आंसर हो जाएगा 24 p² − 54 pq + 12 q², इसका आंसर हो जाएगा। चौथा में है 2a² + 7b² × 4a − 5b। तो इसको भी हम गुना करना है, तो पहले 2a² से इसको दोनों को गुना करेंगे, उसके बाद 7b² से दोनों को गुना करेंगे। तो लिख देंगे 2a² × 4a − 5b + 7b², यहाँ पे प्लस है तो प्लस 7b² देंगे, × 4a − 5b। उसके बाद देखिए अब गुना कर लेते हैं इसको, तो 4 × 2 = 8, a² और ये 2 × 1 = 3 हो जाएगा, यानी ये q हो जाएगा, ये 2 a है, 1 a है, तो 3 हो जाएगा, माइनस देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस देंगे, 5 × 2 = 10 a² b ठीक है, a² b मिलके a² b हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस देंगे 7 × 28 b² a, देखिए b² और ये b² a हो जाएगा। अब देखिए प्लस और माइनस माइनस, 7 × 35 b² और b q हो जाएगा, 2 × 1 = 3 हो जाएगा,
मतलब दो बी है और एक बी है, तीन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8a³ - 10a² b प्लस 28b² a - 35bq। 5 में है 5x+2y गुना x-2y +3z। तो देखिए पहले यहाँ पे तीन अंक आ गया, यहाँ दो अंक है, तो पहले इस 5x से तीनों को गुना करेंगे, उसके बाद 2y से तीनों को गुना करेंगे। तो लिख देते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पे 5x गुना 5x से तीनों को गुना करेंगे, तो इसको लिख दिया 5x गुने x-2y +3z +2y गुने x-2y +3z। अब इसको गुना करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 5x गुने x क्या हो जाएगा, 5x² यहाँ पे लिखेंगे 5x² 5x और x गुना होकर 5x² हो जाएगा। माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो यहाँ माइनस देंगे, 5 दूनी 10 x/y। उसके बाद देखिए अब 2 से हो गया, अब 3 से होगा, तो प्लस साइन, प्लस का साइन देंगे यहाँ पे, 5 या 15 xz, यहाँ x है यहाँ z है, तो xz हो जाएगा। अब इसमें आ जाइए, +2y × x 2y × x 2x/y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए x/y था, तो यहाँ भी x/y लिखेंगे, yx नहीं लिख देंगे ताकि जोड़ने में आसानी होगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 y², y है 2 ठो, तो y² हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 यहाँ प्लस का साइन देंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो 3 दूनी 6 y z, यहाँ y है यहाँ z है। तो यहाँ पे देखिए पहले गुना करके इसको लिख लिए हैं, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 5x², तो x² इसमें और कोई नहीं है, तो बस इसको लिख देंगे 5x². अब देखिए -10x/y और +2x/y दोनों एक जाति का लग रहा है, x/y यहाँ भी है, x/y यहाँ भी है, तो ये दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ घटाव कर लेंगे। तो यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस है, तो माइनस का साइन देंगे, 10 में से 2 गया 8x/y हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ घटाव करने पे, घटाव घटाने पे 10 में से 2 गया 8, तो यहाँ -8x/y लिख देंगे। अब यहाँ पे एक्स जेड कोई नहीं है, तो इसको इसी तरह उतार देंगे, यहाँ पे 15x z, और y² भी कोई नहीं है, तो इसको सिर्फ उतार देंगे, -4y², और ये भी कोई नहीं है, सिर्फ अकेले है, तो +6y z, ठीक है। तो सिर्फ इसको जोड़ेंगे, जो एक जाति का रहेगा उसी को जोड़ना है, और ये आंसर हो जाएगा 5x² - 8xy +15xz - 4y² +6yz, इसका आंसर हो जाएगा। 6 का क्वेश्चन है, 3a-5b × -a-b +7c। तो पहले इसी तरह 3a से इसको तीनों को गुना करेंगे, उसके बाद -5b से इन तीनों को गुना करेंगे। तो देखिए इसको लिख लिया है, 3a से तीनों को गुना करेंगे, तो 3a × -a-b +7c, ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे -5b यहाँ लिखेंगे, देखिए गुने -a - b +7c, ये भी ब्रैकेट के अंदर रहेगा। अब गुना करेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ पे माइनस का साइन देंगे, तो -3a² देंगे, यहाँ पे ये 2 ठो है। उसके बाद यहाँ भी माइनस का साइन है, यहाँ प्लस है, तो -3ab, 3a से b में गुना होगा, तो 3ab, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का, तो प्लस देंगे, 7 या 21ac, देखिए यहाँ पे a है यहाँ c है, तो 21ac हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें आ जाते हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, +5ab, देखिए b और a गुना होगा तो ab हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ भी प्लस होगा, 5b². अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 × 5 = 35, 35b है, यहाँ c है, तो 35bc हो जाएगा, b और c, ठीक है। यहाँ पे c है, ये देखिए यहाँ पे c है और यहाँ b है, तो bc दोनों मिलके bc हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे a² और कोई नहीं है, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे, -3a² ab, देखिए 5ab है और 3ab, दोनों एक जाति का मिल गया हमको, तो ये दोनों को
जोड़ घटाव कर देंगे, तो +5 में से -3 गया तो +2ab, प्लस वाला बड़ा है तो 5 में से 3 गया 2, प्लस का साइन होगा क्योंकि ये बड़ा है। 21ac कोई नहीं, ac कोई नहीं है तो इसको इसी तरह लिख देंगे 21ac। 5b² भी कोई नहीं है तो इसको भी इसी तरह लिख देंगे 5b², बी स्क्वायर और कोई नहीं है। bc भी कोई नहीं है देखिए यहाँ पे, तो लिख देंगे इसको ऐसे ही -35bc। तो इसका आंसर हो जाएगा -3a² +2ab +21ac +5b² -35bc। 7 का क्वेश्चन है, 2a-3b +4c गुने a+5b -6c। तो यहाँ पे देखिए ए भी 3 अंक है, ए भी 3 अंक है, तो एक एक अंक करके इसको पहले 2a से इन तीनों गुना करेंगे, फिर 3b से इन तीनों गुना करेंगे, फिर 4c से इन तीनों गुना करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं पहले, तो यहाँ पे देखिए 2a से पहले इन तीनों गुना करेंगे तो लिख लिया 2a गुने ए प्लस 5b -6c, इसको यहाँ लिख लिया, फिर -3b से इसको गुना करेंगे तो -3b गुने ए प्लस 5b -6c, इसके बाद देखिए +4c से इसको गुना करेंगे तो +4c गुने ए प्लस 5b -6c। अब देखिए गुना करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2a² आप देखिए इससे गुना करेंगे 2a+5b, प्लस है दोनों जगह पर तो यहाँ पे प्लस देंगे, 5 दूनी 10ab -6c गुने +2a, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 6 दूनी 12 AC है, ए है यहाँ C है तो AC। अब इसको गुना करेंगे -3b और A, तो माइनस प्लस माइनस 3ab। अब इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15, यहाँ भी माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, तो 5 तिया 15b², यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, 6 तिया 18, 6 तिया 18 bc, ठीक है। अब इसमें तीसरा में यहाँ से जगह नहीं तो नीचे लिखते हैं, प्लस है तो +4ac, फिर यहाँ पे प्लस होगा, प्लस प्लस प्लस, 5 चौक 20 bc, माइनस यहाँ पे है तो माइनस प्लस माइनस होता है तो -6 चौक 24 c² 2c है। अब देखिए इसको जोड़ देंगे जल्दी से, तो यहाँ पे लिखें a² कोई नहीं है तो यहाँ पे 2a² हो जाएगा। ए बी देखिए कौन कौन है, ए बी एक ए मिला और एक ए मिला, तो 10 में से 3 गया 7, तो +7ab हो जाएगा, प्लस वाला बड़ा है। अब देखिए ए सी, ए सी हमको एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है, तो -12 में से +4ac गया तो -8ac हो जाएगा, ठीक है। b² कोई नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, -15bc². अब देखिए 18 bc और 20, ये देखिए दोनों मिल गया एक जाति का, तो 18 और 20 कितना हो गया 38, +38bc, और c² कोई नहीं है तो यहाँ लिख देंगे -24c². तो इसका आंसर हो गया 2a² +7ab -8ac -15b² +38bc -24c².